रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर डील की शुरुआत की है, जिससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। ब्लैक सी में रूसी नौसेना उतरी है। रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया है। उसकी सीमा के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात है। इस सैन्य अभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि रूस के पूर्वी सैन्य जिले की समुद्री इकाइयों ने बेलारूस के ओबुज लेस्नोवेस्की प्रशिक्षण मैदान में संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा से सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी युद्ध का संकट नहीं टला, क्योंकि वहां पर रूसी सैनिकों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लड़ाकू विमान, सैन्य वाहन और उपकरण भी तैनात कर दिए हैं। दरअसल रूस और बेलारूस के बीच करीबी संबंध माने जाते हैं। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। यहाँ कई दिनों से रूसी सैनिकों का युद्धाभ्यास चल रहा है। बेलारूस में रूस के करीब 30,000 सैनिक मौजूद हैं और अब रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर डील भी शुरू की है। तो ऐसे में जब दो देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं, तब न्यूक्लियर डील का होना युद्ध के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते ही अमेरिका साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।